मुस्लिम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की योमी पैदाइश को लेकर 12वीं शरीफ के दिन पूरे कटिहार में एक शानदार जुलूस निकाला जाएगा। इसको लेकर आज जिला सीरत कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। कटिहार के शरीफगंज स्थित एक मस्जिद में आयोजित इस बैठक में सीरत कमेटी के सभी अधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। आगामी 16 सितंबर को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। इसी 12वीं शरीफ को लेकर हर साल जिला सीरत कमेटी द्वारा कटिहार में एक विशाल जुलूस बड़े ही शानो शौकत के साथ निकाला जाता है। इस बार भी इसी तरह का एक शानदार जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। इस बार भी यह जुलूस डीएस कॉलेज के मैदान से प्रारंभ होगा और पटेल चौक, दौलत राम चौक, पानी टंकी चौक और एमजी रोड होते हुए राजेंद्र स्टेडियम में जाकर सभा में तब्दील हो जाएगा। इस सभा में देश के कोने कोने से आए मौलानाओं द्वारा तकरीर पेश की जाएगी। तकरीर में सभी मौलाना देश में अमन चैन कायम रखने को लेकर तकरीर करेंगे। साथ ही सभी लोग विश्व शांति एवं देश में अमन चैन को लेकर दुआएं भी मांगेंगे। इस बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए सीरत कमेटी के अध्यक्ष एहसन रजा और सचिव मोहम्मद मुख्तार आलम ने हमारे संवाददाता गुड्डू शेख को बताया कि इस जुलूस में डीजे निकालने की अनुमति नहीं है, इसलिए बिना डीजे के ही हम बड़े शान शौकत के साथ इस जुलूस का आयोजन करेंगे। रजा मस्जिद शरीफगंज में एक अहम मीटिंग जिला सीरत कमेटी के तरफ से मुनक़िद की गई, जिसमें बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू हुई। लोगों ने अपने अपने नेक मशवरों से नवाजा और कशीर तादाद में लोग तशरीफ़ लाए थे। और हम आपके चैनल के ताल्लुक़ से, जरिए से, मैं तमाम शहर कटिहार और अकनाफ़े शहर के तमाम आशिकान रसूल से हम ये मुआद्दवाना और मुखलिशाना गुजारिश करेंगे कि हमारे आज की मीटिंग में जो एजेंडा था कि डीजे ना लाएं, और इन पर बहुत सारी बातें हुई और यहाँ एजेंडा को बइत्तेफाक राय से ये पास किया गया कि डीजे हरगिज हरगिज ना लाएं। पहले तो हम लोग सिर्फ इश्तिहार में देते थे या लोगों से कहते थे, लेकिन हम सख्ती के साथ जिला प्रशासन की तरफ से भी ये ऑर्डर है कि भाई डीजे ना लाएं। तो हम गुजारिश करेंगे तमाम आशिकाने रसूल से कि डीजे आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ातले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डीजे को हराम करार दिया गया है। मैं मोहम्मद मुख्तार आलम, जिला जनरल सेक्रेटरी जिला सीरत कमेटी कटिहार। रजा जामे मस्जिद शरीफगंज में जिला सीरत कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कसीर तादाद में हमारे मेम्बरान और अहदेदारान तशरीफ़ लाए और जुलूस मोहम्मदी के कामयाबी के ताल्लुक से सब ने अपना अपना मशवरा पेश किया और कि जुलूस को किस तरह खूबसूरत अंदाज में निकाला जाए। तो ये कोई आम जुलूस, कोई सियासी जुलूस या कोई पार्टी की जुलूस नहीं है। ये हमारे नबी मोहतरम के योम पैदाइश पर पूरे दुनिया में जुलूस निकाला जाता है। तो उस तारीख में हम लोग भी सीरत कमेटी के तरफ से जुलूस निकाल रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ से लोग जुलूस लेके आते हैं, बड़े अदब व एहतराम के साथ डीएस कॉलेज के मैदान में तयशुदा वक्त पे तशरीफ़ लाएं, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से रहते हैं। सबके लिए अमन सलामती और सेहत के लिए दुआएं होती हैं और दुआ होगा निकलेगा ये जुलूस आपका 16 सितंबर को, और वक्त का भी फिर ऐलान हम लोग कर देंगे।